एवरीबॉडी, आप सबका की होस्ट आज शाम के लिए जेएमके एंटरटेनमेंट की ओर से प्रेमक बसात इस मैथिली फिल्म के म्यूजिक लॉन्च में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। बस अब आपसे अगले दो मिनट में हम यहाँ पे हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने वाले हैं, सारे स्टार्स को हम यहाँ पे बुलाने वाले हैं इन द नेक्स्ट जस्ट टू मिनट्स। एंड आई रिक्वेस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं सारे मीडिया यहाँ पे हमारे सारे सबसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि दो कदम थोड़ा पीछे हो जाइए, डालना चाहेंगे। बहुत अहम सवाल कर दिया आपने। जैसा कि एक शाश्वत विषय है इस धरती पे, शाश्वत उसे कहते हैं जो कभी खत्म नहीं होता, अजर अमर है, और वो विषय है प्रेम। प्रेम पर आप कभी भी कुछ भी कल्पना करेंगे तो वो अमर ही होता है। सबसे पहली बात रही बात इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की, तो ये कहीं से गढ़ी नहीं गई है। हमारे आसपास ये घटनाएं घटती हैं, ये परिकल्पनाएं जन्मती हैं। इस तरह की कहानियां हर दूसरे घर की कहानियों में मौजूद होती है, तो हमने सिर्फ अपनी नज़र दौड़ाई और एक पटकथा बन गई। प्रिपरेशन की, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है बहुत ही सीरियस है, मैं मीडिया की तरफ से ये सवाल पूछ रही हूँ इनसे, सो आपने इसके बारे में क्या तैयारी की है? वेल थैंक यू सो मच। जो ये स्टोरी है, एक्चुअली आई एम फ्रॉम नेपाल, सो हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत होगी मुझे, सो आई थिंक आई कैन बेटर आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। सो आई वाज इन काठमांडू व्हेन आई गॉट द फर्स्ट, लाइक यू नो आई हर्ड दिस स्टोरी ऑन व्हाट्सएप। आई डिडंट इवन हैव आइडिया अबाउट द स्क्रिप्ट, आई डिडंट हैव आइडिया अबाउट हाउ इट गोइंग टू बी द वर्क, एंड लाइक डेफिनेटली इट्स माई डेब्यू मूवी, आई हैव द म्यूजिक वीडियोज इन नेपाल, लाइक आई बेसिकली फ्रॉम नेपाल। सो बट जब ये स्टोरी मैंने सुना, जब रूपा शरण जी ने मुझे स्टोरी सुनाया व्हाट्सएप पे, आई वॉज लाइक थोड़ी देर के लिए मैं साइलेंट हो चुका था। क्यों? क्योंकि लिटरली मैं अपने आप को उस कैरेक्टर में, मैं आई वॉज लाइक देख रहा था मैं खुद को उस कैरेक्टर में। कि तब मैंने रूपक जी को ये बात बोला कि आप चाहे ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, नेपाल में फिर से भूकंप आ जाए, लेकिन ये कैरेक्टर तो मैं ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कहूँ, की कहूँ, हम सबसे पहली बात की मैं हिंदी में भी बोलूँगी, और मैं क्योंकि मैं मिथिला भाषी हूँ, और सबसे मेरी पहली फिल्म सस्ता जिनकी महक सुनूर ललितेश भाई जी के साथ मैंने किया था, जो जिंदगी की मेरी पहली फिल्म थी, पहला शॉट मैंने उसमें दिया था। उसके बाद ही मैं मुंबई की तरफ रुक की। रही बात इस फिल्म की, रूपक शरण हमारे दोस्त हैं, हम लोग साथ में काम किए हैं, हम लोग साथ में रहना उठना बैठना है बहुत सारा। इन्होंने कहा कि हम मैथिली फिल्म बना रहे हैं, आप मेरे फिल्म में एक अच्छा किरदार कर रही हो, तो मैं अपने किरदार के बारे में आप लोगों से कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप फिल्म देखें, खुद ब खुद मेरे किरदार को देखें। अगर ऑल टाइम लाइफ टाइम अगर अचीवमेंट अवार्ड अगर इनको दिया जाए, तो एकमात्र अभिनेता हिंदी और भोजपुरी के बहुत नॉन चेहरे तो हैं ही, ललितेश भैया से मैं चाहूँगा कि भैया इस सिनेमा के हाँ आशीर्वाद दियो, और मोना जी और हाँ सस्ता जिंदगी महक सिनूर के दूटा स्टार कास्ट तो हमरा संगे छी, तो हम चाहब दू शब्द जे छै से इस सिनेमा के विषय में हम बाजी। ओ किशन नमस्कार, किशन थोड़ा पीछे हो जाना, कितना बहुत शुभकामना, पीछे हो जा, अरे उधर से लो, मैथिली पिक्चर व्हाट्सएप है ना, बीइंग ए मैथिल मेरी भाषा की फिल्म, कुमार अजरा वगैरह बहुत पुराने स्टार कास्ट थे, तो त्रिवीर साहब उनकी आँख उस वक्त ख़राब हो गई थी, तो डबिंग नहीं कर सकते थे, तो उनकी डबिंग करने में यहाँ आया। लेकिन तो फिल्म देखी तो फिल्म मुकम्मल फिल्म मुझे नहीं लगी, और मेरे दिल में तब से ये तमन्ना रही कि मैं हमारी भाषा में, हमारी मैथिली भाषा में फिल्म बने, और उसके 20 साल के बाद फिल्म बनी सस्ता जिंदगी महक सिनूर, जिसको आज तक आप सबों का आशीर्वाद प्राप्त है। तकलीफ एक ही है कि जो सोच करके हम लोगों ने ये पीड़ा उठाया था कि एक मिथिला में भी फिल्म इंडस्ट्री बने, वो लोगों ने शायद उसका सही प्रयास नहीं किया, इसमें हम लोग अभी तक असफल रहे और नहीं बन पाए, जिसका दुख मुझे अभी भी है। लेकिन आज इस मंच से इन लोगों को देख करके, इनके काम को देख करके, इनके उत्साह को देख करके, मैं दिल से चाहता हूँ कि ये सस्ता जिंदगी से भी सफल फिल्म साबित हो। दरभंगे गए और मैं फोर्थ स्टैंडर्ड तक दरभंगा में रहा हूँ, उसके बाद मेरे डैडी की पोस्टिंग नेपाल में होगी और मैं वहाँ चला गया। डैडी पटियाले से हैं, मम्मी दरभंगा से हैं, और सबसे बड़ी बात सरोज भाई मेरे 28 साल पुराने दोस्त हैं, आज की दोस्ती नहीं है, 91 से दोस्ती है, भाइयों जैसा प्यार है। म्यूज़िक हमारी ज़िंदगी है, फिलॉसफी हमारी ज़िंदगी है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो तो म्यूज़िक नहीं हो सकता है, वो सरोज भाई है। और फिल्म जो है हर इंसान अपने अंदर देखता है,
और वो जो फिल्म होती है वो मालिक दिखाता है, और जब वो देखता है ध्यान में जाकर के, तो एक टीम तैयार होती है, और जब वो टीम तैयार होती है तो सारी टीम की मेहनत होती है, वो क्रेडिट सबको जाना चाहिए, और वो टीम यहाँ पे है, मीडिया भी है, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। फिल्म एक समाज का हिस्सा है जो मैसेज देती है वक्त वक्त पे आके, शायद लगता है अभी वो कहीं दूर चली गई है, कोशिश कर रहे हैं सब लोग वापस आना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन को कुछ मैसेज मिले। और बाकी रहा गाना, तो मैथिली में मैं पहला गाना गाया हूँ, मेरी खुश नसीबी है कि भाई ने मुझे याद किया है, और लीक से हट के जो मेरी आवाज़ है सूफियाना थोड़ा सा, बहुत अच्छे से भाई ने मतलब यूज़ किया है। और मेरी तकलीफ ये है कि गाने को मैं एक साल से घोट रहा था, एक महीने के बाद अब डबिंग कर रहे हैं, फिर 20 दिन गाए, फिर एक महीना, फिर वो करते करते ऐसे वक्त में आया कि परीक्षा मेरी ले ली इन्होंने, क्योंकि मैंने 3 मई को प्रण लिया था, 2 मई को रात को, कि मुझे कल से मेडिटेशन में बैठना है, चिल्ला बांधना है, और मैं 3 तारीख से लेके 13 जून तक भूखे प्यासे रह के सिर्फ 2 बनाने सुबह और 2 शाम को खाया हूँ, 12 किलो वेट जो है मैंने अपना रिड्यूस किया है। जो गाना 1 घंटा लग जाता है गाने के लिए, वो 6 घंटे लग गए, और 3 दिन तक 2-3 दिन मेरे पेट में दर्द होता रहा। चलो ये तो परीक्षा दे दी, उसके बाद में फिर मेरा चिल्ला चल रहा था 10 दिन के बाद, फिर मेरी परीक्षा चल गई कि भाई 2-4 महीने और करने आ जाओ, तो मैंने सबसे ज़्यादा पापड़ मिले। मुबारकबाद देता हूँ शेखर का, बहुत अच्छा लिखा है, एंड रूपक का और पूरी टीम का, सरोज भाई का। मेरी खुशनसीबी है कि मैथिली फिल्म का प्रेमक बसात का मैं छोटा सा एक हिस्सा बना हूँ, और मालिक से प्रे करता हूँ कि आप लोग जाइए फिल्म देखिए और अच्छा लगेगा। कुछ लीक से हटके है फिल्म, और होना भी चाहिए, लीक से हटके होगा तभी दिखूँगा, अगर भीड़ में खड़ा रहूँगा तो दिखूँगा नहीं, इसलिए अलग ही रहता हूँ मैं, और प्रे करता हूँ कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। नमस्कार, आप लोग बेताब हो रहे हैं, शायद गर्मी भी लग रही होगी आप लोग को बहुत। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पहली बार मैंने मैथिली भाषा में गाया है गाना, और सरोज सुमन जी और शेखर अस्तित्व, दो ये जो जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट की, ये दो मेरे बहुत बहुत पुराने, इनसे मेरा रिलेशन है और घर जैसे हैं। और जब सरोज जी ने मुझे कहा, बस जो सत्य है वही बता रही हूँ एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा आप क्या गाओगी, एक सैड सॉन्ग है एक कवाली है, तो मैंने कहा मैं कवाली गाऊंगी, और ये कवाली की पिक्चराइजेशन हो चुकी थी, होने के बाद मैंने स्क्रीन पे देख के लिप सिंक के अनुसार गाना गाया है, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं गाना होने के बाद गाना में हीरोइन के लिप सिंक को देखते हुए मुझे मैच करके गाना पड़ा, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट माई लैंग्वेज, पर मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे चैलेंजेस लेने में मज़ा आता है। और हेलो, मैथिली बोल, हम ज़्यादा किस तरह बाजब, अहाँ सबसे रिक्वेस्ट करै छी जे अहाँ सब मैथिली फिल्म जरूर देखब, और अहाँ सब अपना रिलेटिव के, अपन जते जान पहचान वाला छै सबके गवनी फिल्म देखै के लेल, कियाकि फिल्म के लेल हम सब बहुत मेहनत केलहुँ हँ, दिन राति मेहनत केलहुँ, बहुत तकलीफ उठेलहुँ, सिर्फ मैथिली के लिए, अगर दोसर इंडस्ट्री के फिल्म रहते एतें किछु नहि करऽ पड़ता, इजिली बिका जैते, लेकिन हमरा सबके बहुत मेहनत लागल, ताहि दुआरे हम ललित जी के बहुत मतलब हिनकर बहुत आभारी छी जे हमरा लेल ई टाइम निकालि कऽ एलथि हँ दिल्लीसँ मुंबई। आओर अहाँ सबके एतेक रिक्वेस्ट करब, ई फिल्म अहाँ जरूर देखब, ट्रेलर देखलहुँ, फिल्म नीक लागै या हिन्दीसँ कम्पेयर नहि करबै, मैथिली लेवलपर ई सोचब जे मैथिलीके फिल्म छै, इमोशनली मतलब एहि फिल्मके सपोर्ट करू, फिल्म ई नहि देखियौ केहन बनल छै नहि बनल छै, मैथिली छियै, एक बेर स्टैंड भऽ जेतै मैथिली इंडस्ट्री, तकर बाद जज करैत रहब जे फिल्म नीक की होइ छै खराब छै, एक बेर सिर्फ इमोशनल भए कऽ अपन लैंग्वेजके लेल फिल्म देखू।
सबसे पहले तो हमारे सभी सुनने वालों का, देखने वालों का प्यार भरा नमस्कार। एक ईमानदार कोशिश की है हमने एक अच्छी मैथिली फिल्म बनाने की, जिसका नाम है प्रेमक बसा, जिसका म्यूजिक लॉन्च आज हमने किया है सबने मिलके। टी सीरीज ने इसका म्यूजिक लॉन्च किया है। जहाँ तक बात है बैकड्रॉप की, तो ये विशुद्ध रूप से प्रेम कहानी है एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की के बीच की, जो कहीं से भी सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है। हिंदू मुस्लिम की प्रेम कहानी जब भी होती है तो उसका अंत दुखद ही होता है, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों के बीच। यही है इस फिल्म का बैकग्राउंड। एक्चुअली क्या है, मैं मैथिली फिल्म इसके लिए बनाया हूँ क्योंकि आज हिंदुस्तान में जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है बहुत तरक्की कर चुका है, रीजनल लैंग्वेज बहुत ही स्थापित हो चुका है, पर हमारी मैथिली जो अभी भी बहुत पीछे है। तो हम लोग चाहते तो भोजपुरी बना के और भी फिल्म बना के हम कमा सकते थे, हमने मैथिली इसके लिए बनाया। तो हम लोग चाहते हैं कैसे भी करके हमारी भी इंडस्ट्री, हमारी भी जो लैंग्वेज है मैथिली, वो मार्केट में आए और हमारा जो मार्केट है मैथिली वो भी वो लेवल पर जाए, जैसे तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, वो लेवल पर हमारी मैथिली भी जाए। इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जो जो प्लान किया था कुछ कुछ वो हद तक वैसा होते जा रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। हाँ, बहुत खूबसूरत सवाल किया है आपने। प्रेम का मतलब तो हर किसी को पता होता है, किसी ने स्कूल के दिनों में किया हो, किसी ने कॉलेज के दिनों में, और बुढ़ापे का प्यार तो अमर होता ही है। तो जहाँ तक बात है इस टाइटल का मतलब क्या होता है, प्रेमक मतलब प्रेम की या का या के, बट चूंकि उसके आगे जो है उसके हिसाब से काकी की लगाएंगे तो उसके आगे बसात लगा हुआ है। बसात का मतलब होता है हवा, हमारे यहाँ बोलते हैं पूर्वा हवा, तो उसको बोलते हैं पूर्वा बसात, पछिया हवा या पछिया बसात। तो ये प्रेमक बसात मतलब प्रेम की हवा, प्रेम वाली हवा। हाँ, उनके लिए मैं एक अलग से कहानी गढ़ूंगा और प्रेमक बसात पार्ट टू बनाऊंगा। देखिए, ये निर्माण के आखिरी दौर में है, अभी सेंसर का काम बाकी रह गया है हमारा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, एक आध महीना कह सकते हैं आप। एक सवाल इधर से आया है कि निर्माता जी के बारे में कुछ कहिए और उसके बाद स्टार कास्ट के बारे में मैं जवाब देता हूँ कि मैथिली में फिल्म बनाना
एक दुस्साहस का काम होता है। क्या काम होता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या काम होता है? दुस्साहस। साहस पर भी जो साहस हो उसको कहते हैं दुस्साहस। तो मैथिली में फिल्म बनाने का काम वेदांत झा जी ने किया है, ये जानते हुए कि कोई बाजार नहीं है, लेकिन इनका एक सपना और मातृभूमि के लिए कुछ करना। ये जो सपना है कि मातृभूमि का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता, लेकिन कर्ज उतारने की दिशा में एक प्रयास करना, ये दुस्साहस वेदांत झा जी ने किया है। मैं जितना बोलूं इनके लिए वो बहुत ही कम है। अब आपका सवाल कि स्टार कास्ट के बारे में होता है, तो हमारे स्टार कास्ट जितने भी कास्ट हैं सारे स्टार हैं। हाँ जी, आपने जो सुना सही सुना, जितने भी कास्ट हैं सारे स्टार हैं। रही बात उनके नामों की, तो पीयूष कर्ण नेपाल के इंटरनेशनल मॉडल हैं, उनको हमने मुख्य अभिनेता के तौर पे कास्ट किया है। रैना बैनर्जी बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं कोलकाता की, उनको उनके अपोजिट हमने कास्ट किया है। जीतू सम्राट जो थिएटर के एक्टर हैं वो हैं इस फिल्म में। मोना रे पिछले 25 सालों से बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का परचम लहरा रही हैं, उनके साथ लंबी कतार है। शरद सोनू हैं, प्रेमनाथ झा हैं, आकाशदीप हैं, राजीव झा हैं, कल्पना मिश्रा, शैल झा, प्रज्ञा झा, एसी मिश्रा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। जो नाम छूट जाएंगे वो खुद को काम न समझे। यहाँ मैं एक और नाम जिनको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, दिल से मिस कर रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। हमारी फिल्म के कार्यकारी निर्माता हैं और इस फिल्म में एक अहम किरदार उन्होंने किया है, कुणाल ठाकुर नाम है उनका, और इस वक्त वो हिंदी फिल्म के सिलसिले में मॉरिशस में है। वो लगातार व्हाट्सअप कॉल के ज़रिए, मैसेंजर कॉल के ज़रिए हमसे जुड़े हुए हैं और यहाँ की रिपोर्ट ले रहे हैं। उनको भी बेचैनी वैसी ही बनी हुई है कि हमारी फिल्म का जो म्यूजिक लॉन्च हो रहा है वो सेरेमनी कैसी जा रही है। बैनर जी अपने किसी और प्रोजेक्ट, उनका प्रायर कमिटमेंट था उसमें वो मशरूफ थी, इसलिए वो तशरीफ़ नहीं ला पाएंगे। देखिए बहुत अहम सवाल किया है और इतनी सारी मीडिया के सामने अगर ये जवाब मैं दूँ, बहुत सदा हुआ सटीक जवाब दूँगा कि उत्पादन और बाज़ार दोनों का चोली दामन का संबंध है। आप उत्पादन करेंगे तो बाज़ार बनेगा, बाज़ार अगर है तो आपको उत्पादन करना पड़ेगा। तो मैथिली फिल्में बनती कम है, सबसे पहली बात कि मैथिली फिल्में बनती कम है, जब बनने लगेंगी तो थिएटर भी मिलने लगेगा। अब जैसे हमने एक ईमानदार कोशिश की है एक अच्छी मूवी बनाने की, अच्छा है या बुरा है ये दर्शक तय करते हैं क्योंकि मूवी दर्शक के लिए बनाई जाती है, बट हमने कोशिश की है एक अच्छी फिल्म बनाने की और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मिथिलांचल के हर एक इलाके में ये रिलीज़ हो। इतना ही नहीं, क्योंकि हमारे जो इंटरनेशनल मॉडल पीयूष कर्ण हमारी फिल्म के हीरो हैं और नेपाल की द्वितीय भाषा जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद गलत हो सकता हूँ, मैथिली है। तो मैथिली नेपाल में थोड़ी शांति बनाए रखें, तो मैथिली के कई ज़िलों में ये भाषा बोली जाती है, तो इसको हम नेपाल में भी रिलीज़ करने वाले हैं। और इससे भी अहम बात यह है कि कतर, दोहा, दुबई और ऑस्ट्रेलिया, ये कहने की मेरे प्रोड्यूसर वेदांत जी ने मुझे खबर दी कि हमें इसी महीने हो सकता है प्रमोशन के लिए कतर और दुबई जाना पड़े। तो ये कतर दुबई आप ध्यान में रखिएगा, इससे जुड़े सवाल आप हमारे हीरो से कीजिएगा। देखिए ऐसा है कि मैथिली में आप जब कभी भी फिल्म बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसको बेचना भी है, दर्शकों तक पहुंचाना भी है, क्योंकि मैथिली फिल्म ऐसे नहीं है कि आपने बड़ा सा सपना देख लिया और करोड़ों रुपए डाल दिए इस उम्मीद में कि पैसे आ जाएंगे, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप उतने पैसे तक साहस करो जितने पैसे तक आप उसको खर्च करके दर्शकों तक पहुँच सको, इतना ही कहना है मेरा। तभी तभी तो थोड़ी देर पहले मैंने हिंदी में बात की थी, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरा नाम पीयूष कर्ण है और मैं मिथिला का ही हूँ। मेरे दादाजी परदादाजी सब इंडिया से थे, लेकिन बहुत साल पहले हम लोग नेपाल शिफ्ट हो गए। तो हम किस मैथिली में बात चाहे थी, अब हम आज सबके जितने भी प्रश्न है तो हम उत्तर मैथिली में देव। हम नमस्ते दर्शक सबके, हम पीयूष कर्ण, हम नेपाल से बिलोंग करे छे। हम नेपाल के एगो इंटरनेशनल मॉडल, इंटरनेशनल रनवे मॉडल छे। ये हमर डेब्यू मूवी छे, इससे पहले हम काफ़ी म्यूजिक वीडियो सब के लिए रैम शोज इंटरनेशनली के लिए यूएस, यूके, आई वेंट मेनी प्लेसेस। लेकिन ये खुशी छे अखन जे हम फील कर रहल छी, जे महसूस कर रहल छी अखन, ई बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन छे, कैलाकि हमर डेब्यू मूवी भी छे आ प्लस मैथिल सबके लागि एगो बहुत ही नीक आ एकदम गरिमामय बात भी छे। तो हमर बारे में शायद विस्तृत जानकारी के लागि यहाँ सब आगा भी काफ़ी होते, हमारे मीडियाकर्मी सब अब जरूर उस सब सहयोग भी करती बात में।
नमस्कार, मेरा नाम मोना राय है और मैं मिथिला से ही हूँ। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि मेरी शुरुआत ही मैथिली फिल्म से हुई है, जो कि सुपर डुपर हिट फिल्म थी, सस्ता जिंदगी महक सिंदूर, जिसकी टाइटल जो थी उसका मेरे ऊपर ही पूरी फिल्म थी। मेरी ज़िंदगी सस्ती थी और मेरी मौत हो गई इस फिल्म में। वहाँ से शुरुआत हुई और वहाँ से शुरुआत करने के बाद मैं मुंबई आई और आप लोगों के आशीर्वाद से, दर्शकों के आशीर्वाद से आज मैं हिंदी जगत में टीवी में बहुत सारे काम कर रही हूँ। जी टीवी पे हमारा एक भागो वाली एक सीरियल आता था जिसमें मैं मिठू पांडे किरदार कर रही थी। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। मैं मिथिला की हूँ, बार बार ये कहना चाहती हूँ कि मैं मिथिला से चलकर यहाँ आके इस मुंबई में अपना नाम सिर्फ मिथिलावासी होने की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मिथिला में होने की, मिथिला के रहने वाली हो के भी यहाँ पे आके मैंने अपनी एक जगह बनाई है। वो सिर्फ आप सारे दर्शकों का प्यार है और आने वाले कुछ दिनों में मुझे और आप एक अच्छे चैनल पर फिर से देखेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं प्रेमक बसात में काम की हूँ, क्योंकि ये मेरा भाषा है, मेरी जन्मभूमि यहीं पे मिथिला में हुई थी, तो मैं बहुत खुश हूँ इस मिथिला में। मैं बस यही चाहूँगी कि मैथिली फिल्म सुपर डुपर हिट हो और बहुत सारी मैथिली फिल्में बने, प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और हमारे मिथिला का नाम रोशन हो, हमारी मैथिली का नाम रोशन हो। पीयूष, क्या लगता है कि लगभग की अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम जैसे दर्शाया गया है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला किरदार है आपका, और कुछ लोग इसको फॉलो भी करेंगे और हो सकता है इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी पैदा हो, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये बात जो है आपको कतौ ना कतौ की कोनो भी काइंड के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते, लेकिन एक एक वर्ड में हम जवाब देबा चाहे, धर्म रिलीजन कास्ट मैटर नहीं करे छे। आ सब देखे तो वे ऊपर प्रेम से पैग ये दुनिया में कोनो धर्म नहीं है, ये एगो लाइन मूवी के जस्टिफाई करे छे। अगर बढ़ावा देवे वाला एहन किछु बात रही तो डेफिनेटली अखन भी हम सबके समक्ष ये बात रखता हूँ, लेकिन जे मूवी के हिंदू आ मुसलमान के जे कैरेक्टर छै कोनो भी प्रकार के कोनो भी किसी में कंट्रोवर्सी नहीं छै। बकायदा ये मूवी में अहाँ उ चीज के फील करब कि वाकई में प्यारे सबसे बड़का धर्म छै आ ओकरा हम सब प्रूव कयने छी, हम काफी हम उत्साह भी छी मूवी के रिलीज के लगभग। थैंक यू। पहली बार तो मैं अपने सरोज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हम बहुत पुराने ही आ रहे हैं, 28 साल पुरानी दोस्ती हमारी, भाइयों जैसा रिश्ता है और बहुत ही गुणी इंसान, और मैं जितने भी शब्द बोलूँ उतना कम है, इतना टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर। और मेरी खुशनसीबी है कि इतनी प्यारी कंपोजिशन सूफियाना, वो भी जो मेरा कलर है, वो लेकर के मेरे पास में आया और मैंने कोशिश की है गुनगुनाने की, बाकी आप सुनेंगे तो बताएंगे। और रूपक ने फिल्म बहुत अच्छी बनाई है, वेदांत जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैथिली में एक अच्छी खूबसूरत सी फिल्म बन के आ रही है, और उम्मीद करता हूँ कि मिथिला में जितने भी लोग हैं, मिथिला क्या पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, तो इस फिल्म को देखे एक नया मैसेज मिलेगा और प्यार जो है वो हमेशा दिल में रहना चाहिए, बांटते रहना चाहिए, एक अच्छा मैसेज है। और उम्मीद करता हूँ सब लोग जाएंगे फिल्म को देखने के लिए और उन्हें फिल्म पसंद आएगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैथिली में इस तरह की कोशिश करना वेदांत जी के लिए, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और रूपक शरण जो हमारे निर्देशक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ताना बाना बुना है। और जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है, तो म्यूजिक में मैं जब भी गाना सुनता था और भी कहीं का, चाहे मलयालम हो, साउथ से हो या बंगाल से हो, तो मुझे भी लगता था कि जो भाई मैथिली में भी इस लेवल की चीज़ें और इस तरह का प्रयोग किया जाए, ताकि न्यू जनरेशन जो हमारे नए बच्चे हैं, हम उनको दोष देते हैं कि ये भाषा से नहीं जुड़ रहे हैं, ये मैथिली में बात नहीं कर रहे हैं या मैथिली सुन नहीं रहे, तो फिर उनके कंटेंट, उनके हिसाब की, उनके मिजाज की चीज़ों को उनको देना पड़ेगा, तब जाके वो जुड़ेंगे। इसलिए हमने कोशिश की कि इस बार साउंड, स्टाइल ऑफ कंपोजिशन और सिंगर्स, वो सारी चीज़ों को नए तौर तरीके से हमने करने का छोटा सा प्रयास। आस पुरा दिया मौला, झलक दिखला दिया मौला, आस पुरा दिया मौला, झलक दिखला दिया मौला। शरद सोनू है, मैंने इसमें जो मेन हीरोइन है रैना बनर्जी, उसके भाई का रोल किया है, बड़े भाई का, जिसको वो पालता है, बड़ा करता है, उसका किरदार किया है। मेरा नाम है आकाश देव और मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ हीरो का फ्रेंड नत्थू, जो
आज के युग में चाय बेच के भी अपना भरण पोषण करता है और अपने हीरो के साथ उनके हर सिचुएशन में हेल्प करता है। जी आप बताएं। मेरा नाम राजीव झा है और मैं हीरो के दोस्त और चाचा, मतलब चाचा कम दोस्त का किरदार कर रहा हूँ, जो कि निहायती निठल्ला, बेकार, बेरोजगार जी आप कह सकते हैं, उसमें भी अगर करेला ऊपर से नीम चढ़ा अगर वो दोस्त बन जाए चाचा, तो फिर उससे और करेला और कुछ नहीं हो सकता। चाचा का है, वो चाचा ही क्या जो निठल्ला ना हो, निठल्ला ना हो, और वो भी LLB ग्रेजुएट और 45 साल का बेरोजगार और अविवाहित इंसान। थैंक यू, शुक्रिया।